आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कोई हमारे पिंड की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सबक सिखाना है उसे कि आज के बाद हमारे पिंड की लड़कियों को कोई नजर उठा के ना देखेगा। चलो मेरे नाल। अब आजी चलो। What are you saying? This is fantastic, यार। बाय। So sweet. क्या हो रहा है? कहीं पे भी सिग्नल नहीं था। हाँ ट्राई करेंगे। सुनना। चल। यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आ रहा। ऊपर ट्राई करते हैं एक बार। क्या यार वीरा, तुझे और कोई जगह नहीं मिली? स्कूल की छत? सी, ये ना पिंड की सबसे ऊंची इमारत है, अब यहाँ तो सिग्नल मिलना ही चाहिए। आफ्टर ऑल तेरा मेल करना भी तो जरूरी है ना। या आई रियली होप। अच्छा देख, मैं कुछ सेटिंग्स चेंज करके देखती हूँ। आई होप सो यार। हे, ये देख सिग्नल मिल गए। क्या बात कर रही है? वाओ फैंटास्टिक यार, यू आर अ लाइफ सेवर। थैंक यू। हाँ हाँ, तेरी थैंक यू सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए थे। या अच्छा चल, अब तू जल्दी से अपना काम कर ले और जल्दी जल्दी मेल भेज दे। Exactly, right on it. यहाँ कैसे खेलेंगे? यहाँ पे तो बड़े लोग खड़े हैं। और कितने भागे जा रहा है? मैदान में खेलने वास्ते। अरे वहाँ तो हम खेलेंगे, तुम लोग स्कूल में खेलो। रोज हम स्कूल की छत पे खेला करते थे, पर आज वहाँ पे जगह ही नहीं थी खेलने वास्ते। की हो यार छत पे? उत्ते पहले से एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। और कौन लड़का और लड़की है? पता ही नहीं। लड़का और लड़की अकेले, वो भी छत पे, क्या चल के रहा है इस पिंड में? आजी किसकी मजाल हो सकती है ये? जरूर कोई उस दूजे पिंड का लड़का होगा। हमारे पिंड के लड़के इतने कमीने नहीं है जो ये हरकत करें। अजी ठीक कह रहे हो आप, पिछले ही हफ्ते ना उस पिंड के एक मुंडे को हेडमास्टर ने छत में पकड़ा था लड़की के साथ। अजी मुझे लगता है कि ये वही होगा और उसी ने फंसाया होगा हमारे पिंड की कुड़ी को और गा रहा होगा छत पे गाने, उसको सबक सिखाना होगा। तो पर निकल आए हैं उस पिंड वालों के, तो बहुत से साले जू की तरह सर में घुस के खुजली मचा रखी है। पिंड में घुसना बंद करना पड़ेगा उनका, जब हड्डियां टूटने दी आवाज आएंगी ना तब अकल ठकाने लगनी है इनकी। ठीक कह रहे बाजी। तो प्रीतम बुरा वालो सुनाए, कोई हमारे पिंड की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सबक सिखाना है उसे कि आज के बाद हमारे पिंड की लड़कियों को कोई नजर उठा के ना देखेगा। चलो मेरे नाल। अब आजी चलो। मार मार के ना तुम्बा बना देना है सबका।
क्या यार यार, ये लैपटॉप हैंग हो गया। ओए हाइपर मत हो, हट मैं कुछ ट्राई करती हूँ। कुछ आज ही होना था यार, दिस मेल इज सो इम्पोर्टेंट। ओहो पेशेंस रखना, देख रही हूँ मैं। हीरा कुछ कर यार जल्दी, जितनी मेहनत की ना सब पानी में चली जाएगी, मैंने कुछ सेव नहीं किया था। ओहो चिल कर ना तू, पेशेंस रख। ऐसे बाजी होना था, तुझे पता ना। पेशेंस करन। क्या बात है भैया, तुझे तो इंजीनियर होना चाहिए था, कंप्यूटर एक्सपर्ट है यार तू तो। यार मैं ना 5 साल की उम्र से कंप्यूटर ऑपरेट कर रही हूँ, तो एक्सपर्ट तो होना ही है। कंप्यूटर? यार एक्चुअली ना मैं जब छोटी थी तो मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलती थी, इसलिए। ओह उस चीज का ना तुम बचपन से आइटम थी है ना। ओए ढंग से बात कर मुझसे, ठीक करवाना है कि नहीं? हाँ ठीक है ना, एक तो काम ठीक से करती है वो तो कर ले। चुप होए। कर कर कंप्यूटर। ये देख ठीक हो गया, तेरा डेटा भी डिलीट नहीं हुआ। ओए कितने हो ना? ओए आ ओए। What are you saying? This is fantastic यार। पता है? So sweet. आ, क्या हो रहा है? तेनु शर्म नहीं आती एक अनजान लड़के के साथ यहाँ छत पे? अरे तेरी बीजी और चाय जी को खबर लगेगी तो तेरी चमड़ी उधेड़ देनी। और ये लड़का हमारे पिंड की लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या बोलने जा रहे हो सारे के सारे? कुछ नहीं ऐसा हमारे बीच, हम यहाँ सब काम वास्ते आए थे और कुछ नहीं। हाँ हाँ सब दिखाई दे रहा है, की हो रहा है, इतने भी अंधे नहीं है वीरा। सब शांत हो जाओ। इसमें कर्ण की क्या गलती है? शहर का लड़का है वो, वहां पला बड़ा है, वहां की सोच लेकर आया थे। और शहर में तो लोग जपिया पौंदे रहते हैं और अनजान लोग भी जपिया पौंदे हैं। अब उनकी पता कि पिंड में सब गलत माना जाता है। और गलती तो वीरा दी है। अनु तो पिंड के तौर तरीके मालूम है ना, फिर भी लिपट ली इससे। गल तो समझानी थी इसे। भाई बलदेव तमीज से बात कर मुझसे। गलती दोनों की है पर ज्यादा गलती वीरा की है। कोई भी समझदार लड़की एक अनजान लड़के के साथ छत पर एक मिनट भी नहीं बिता सकती। पहले तो ये गलत करती है और ऊपर से झूठ बोलती है। अब लोग क्या ये गलत छलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर? कहा तो कुछ भी नहीं ऐसा।
चाची जी, ताया जी, इतना सब भी विश्वास नहीं है आपका मेरे ऊपर? ओए, हाथ पकड़ के बाहर कर दो दोनों को। हाँ हाँ, दोनों को यहाँ से निकालो। अरे मुझे आगे नहीं बढ़ेगा। ना ही कोई कुछ कहेगा। मेरी वीरा पे कीचड़ उछाल कैसे दिया आपने? रणवीर पुत्र, तेरी बहन ने काम ही ऐसा किया है। वीर जी, ये सारे लोग ना एकदम गलत चलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच, सच्ची। वो तो करण को एक इम्पोर्टेंट सा ईमेल सेंड करना था और नीचे सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैं करण को लेकर यहाँ छत पर आ गई ताकि सिग्नल मिल जाए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं वीर जी, सच्ची। वीरा कह रही है तो इतने किसी जरूरी काम वास्ते आई थी, तो आप लोग मान के लेते इसकी बात? वो कैसे मान ले, वो तुझे नहीं पता हमने क्या देखा है। आंखों का देखा गलत हो सकता है चाचा जी, लेकिन दिल का देखा नहीं। वीरा आपकी बेटी है, आप सबकी गोद में खेली है, वो हम सबके संस्कार है उसमें। शहर जाने का मतलब है नहीं है, तो अपनी हद भूल सकती है। खुद रब भी अगर ऊपर से नीचे आकर कह दे ना कि मेरी वीरा ने गलत काम किया है, तो मैं उनसे भी सवाल पूछ बैठा ना कि रब ने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया। चल वीरा, एक मिनट। सारा तमाशा तूने खड़ा किया है ना बलदेव, इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, समझ लियो। हाँ वीरा, इस वक्त तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू चुपचाप घर चली जाए। तू उस हालत में नहीं है कि तू मैनू धमकी दे दे, समझी? तुम वीरा चल 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 घर जा, चल वीरा। वीरा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बैठ। आज साढ़े घर का रास्ता कैसे भूल गई तू? ओ चाची जी, कल ना अचार बनाया था घर पे, तो सोचे एक बनी आपके यहाँ भी दे दूँ। हेलो जी, तो आड़े ले।
जी रतन दिखाई नहीं दे रही, छत पर कपड़े सुखा रही है। रतन बंसुरी आई है। अब देखिए ना जी, घर के कामों में खुद के कामों में इतनी रुचि रहती है कि दूसरी बातों का तो उसे ध्यान ही नहीं रहता ना। कौन सी दूसरी बातों की बात कर रही हैं? देखो चाची, मैं कुछ नहीं कह रही, पर ना पूरा पिंड बातें कर रहा है अपनी वीरा के बारे में। की गल कर रही है तू? अब देखो चाची जी, बात ना एकदम सीधी करूंगी मैं, वीरा को ना करण से दूर ही रखो। मंसूरी साफ साफ बता गल क्या है। मैं दस दी हूं, वो हुआ ही बात नहीं हुई है चाची जी। पिंड वाले बड़ा चला के बातें करते थे, कुछ नहीं आया। की बड़ा चढ़ा के बात कर रहे? की हो रहा है हिरण भी? कुछ नहीं हुआ बीजी, हीरा और करण कंप्यूटर बैठ के कुछ काम करते पैसे और पिंड वाले उल्टी सीधी बातें करनी शुरू हो गए, बस इतना ही। हाँ पीजी, मतलब अगर लड़का और लड़की साथ हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उनको देखकर लोग कुछ भी सोचे, बेकार की बातें बनाने लग जाए। हेलो चाई जी, पूरे पिंड को ना और तो कोई काम धंधा है ही नहीं, बस वीरा के पीछे पीछे उसी की बातें करेंगे। लोग आपके बेटे के बारे में भी तो हजार तरीके की बातें बनाते हैं, आप ना सारी बातों पर ज्यादा विश्वास। देखो चाची जी, मैं तो यहां ना एक ही पिंड के होने का फर्ज निभाने आई थी, लेकिन इस वीरा को तो मेरे बलदेव के बारे में बुरा बोलने का बस एक मौका चाहिए। रणवी की हो रहा है ये सब? कुछ तो किया होगा ना, इसलिए तो पिंड वाले बोल रहे हैं। नहीं वीर, उठते जा। पर वीर जी, मैं कह रहा ना, कमरे में जा। कुछ नहीं हुआ बीजी, फिर से अपनी बहन की गलतियों को अनदेखा कर रहा ना। बता रणवीर, बात क्या है, क्या छुपा रहा है मुझसे तू? मैं कुछ नहीं छुपा रहा बीजी, मैंने जितना बताया बस उतना ही है। सस्ते कल रणवीर प्राजी, आपको रतन चाची नु बलवंत ताऊ जी ने पंचायत में बुलाया अभी इसी वक्त। पंचायत? ठीक है आने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।